ग्लू, मम्मा का तो ग्लू, मम्मा का प्याला तो ग्लू है ना, बम हो जाएगा, बम बम बम। जो दिन भर बिजी रहते हैं हर चीज में, मतलब उनका पता नहीं क्या सामान खोया रहता है। वहाँ से बहुत ही प्यारा बैग मिला है और गिफ्ट में मिली है मुझे ये रिंग। मुझे क्या, मुझे और आराम करने सोच रही थी, आरू आ गया। हाँ नहीं देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद कनिका। आई होप आप लोग अच्छी होंगे, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह मैं रेडी हो गई हूँ नहा धो के, और मेरे ऊपर बड़ी बिंदी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। आज मेरा मन करा कि बड़ी बिंदी लगाने का, छोटी बिंदी ख़त्म हो गई थी इसलिए बड़ी बिंदी लगाई। और फिलहाल मैं अभी दीदी के यहाँ हूँ, तो शाम तक बन रहा है प्लान घर जाने का। कल वैसे मैं सोच रही थी घर जाने के लिए, मगर तबीयत उतनी ठीक नहीं लग रही थी इसलिए मैं हम लोग नहीं गए घर। तो आज 5 दिन हो गए मुझे दीदी के यहाँ, तो आज शाम को हो सकता है मैं अपने घर जाऊँगी। तो अभी मैं उठ के, मैंने नहा लिया है, सारा काम कर लिया, ब्रेकफास्ट हो गया है, तो अभी हम लोग पियेंगे सुबह की चाय। और आज का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। मतलब हवा नहीं चली, हल्की सी उमस है, मगर मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और दीदी के घर के पास इतने सारे पेड़ वगैरह हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चे लोग भी हम लोग के साथ ही उठ गए थे, तो घर का सारा काम हो चुका है। आज का व्लॉग आपको मेरे डेली व्लॉग से ही मिलेगा, और आज हम लोग क्या क्या करते हैं ये आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आप व्लॉग को स्किप नहीं करिएगा। आज क्या क्या हम लोग पूरा दिन करेंगे ये आपको व्लॉग में देखने को मिलेगा। और सभी व्लॉग की तरह इस व्लॉग को भी खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो हमारी छोटी अभी आरू आरू बोलना सीख गई है, अपने बड़े अपने छोटे दादा का नाम लेने लगी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो कैसे बोलती है आरू बोलना। आरू बोल दो, आरू आरू बोल दो। आहा, फिर से बोल दो अच्छे से। छोटी आरू बोलो, आरू दादा। आलू बोलो, आरू आरू। अरे पहले आरू बोलो, आरू आलू आल बोलो। जीभ दबा लेती है। दादा कहाँ है आरू? दादा कहाँ है आरू? दादा कहाँ है बताओ जल्दी से। ईशु दादा कहाँ? ईशु दादा, ईशु दादा अल क्या कर रही हो? आज छोटी ने भी बड़ी बिंदी लगाई है, हमारी छोटी की नहीं, क्यूट ही लग रही है ना। और ये हैं, दिन भर गेम में ही बिजी रहते हैं आप। तो दिन के बज रहे हैं 12:30। मैं अभी थोड़ा सा आराम करने सोच रही थी, आरू आ गया। हाँ नहीं देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। छोटी को देखिए आज बिंदी लगाई है। छोटी दिखाओ, तो ये देखो, तो देखो 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 वहाँ देखो, इसमें देखो, फोन पे देखो। क्या सब डब्बे रोज गिराता है क्या? आरू तो, यीशु तो बहुत बदमाश है। मेले बत्ते मेले बत्ते मेले बत्ते बत्ते आते। छोटी भी अब सोई की लगता है, मेरे साथ सोएगी है ना, मेरे साथ सोएगी। पूरा कपड़ा खुल गया तुम्हारा, तुम्हारा कपड़ा खुल गया। इच्छू इच्छू इधर आओ, इच्छू इच्छू, ए इच्छू का भाई। जीजा को बोलते हैं वो नवा का बेटा को जरा पता कर दो, यूट्यूब वाले हमारे पुत्र हैं। जो दिन भर बिजी रहते हैं हर चीज में, मतलब उनका पता नहीं क्या सामान खोया रहता है। ओ मेरा बच्ची, ओ जो मेरा सुना, मेरा तकलू, मम्मा का तकलू, मम्मा का प्याला तकलू है ना। ये सुबह सुबह 5 बजे से उठा हुआ है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हम सुबह सुबह उठ जाता है खेलने के लिए, तो किसी चीज से मतलब नहीं है, मतलब उसको तोड़ना फोड़ना और खेलना बहुत पसंद है ना बेटा, है ना तकलू। मैडम कहाँ जा रही हो? बम हो जाएगा, बम 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 हो जाएगा। हाँ भूतू है, भूतू भूतू, म्याऊ है म्याऊ।
म्याऊ है इसके पीछे, म्याऊ 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 आ जाएगी, कट्टी करेगी कट्टी, भम होगा भम, आ जा जल्दी। दिन में यहाँ पार्सल आ गया था और ये मैंने बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा सूट परचेज़ किया था जो मुझे बहुत ही अच्छे प्राइस में भी मिला और जैसे मैंने इमेज में देखा था सेम मुझे रिसीव हुआ। इसका हॉल वीडियो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत है। आज सुबह से ही मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रहा था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, गर्मी में राहत देने के लिए ये मौसम आ गया था और मुझे ऐसा मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देख सकते हैं दीदी के घर के पास कितने बड़े बड़े पेड़ लगे हैं और पूरा मतलब ये इस एरिया में पेड़ ही पेड़ लगा और बहुत ही ठंडा एरिया रहता है। थोड़ा हैक बनाई थी इसलिए लाइनर वगैरह थोड़ा मेकअप कर लिया था, तो मैं आपको वहाँ पर प्रोडक्ट नहीं दिखाया हम लोगों ने क्या क्या चीज़ लिया है। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ ये बैग, हम लोग को वहाँ से बहुत ही प्यारा बैग मिला है और गिफ्ट में मिली है मुझे ये रिंग। मुझे क्या, मुझे और दीदी को मिली थी तो दीदी ने बैग ले लिया और मैंने ये रिंग ली। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई ये रिंग। चलिए मैं आपको आज दिखाती हूँ हम लोग ने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगी दीदी ने ये बहुत ही प्यारे बैंगल लिए हैं, बहुत ही अच्छी पैकेट बॉक्स के साथ आया है और ये देखिए बैंगल की फिनिशिंग देखिए एकदम गोल्ड जैसा लुक दे रहा है, बहुत ही प्यारी है और प्राइस भी बहुत ही अच्छा है। 250 की रेंज में हम लोग को ये बैंगल मिले हैं और बहुत ही अच्छा, वहाँ का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। आप लोग जाइएगा अगर विजिट करते हैं कभी भी शॉप तो आप लोगों को हर एक एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगेगी वहाँ की। सेकेंड पहले ये बॉक्स देखिए, बॉक्स बहुत ही प्यारा बॉक्स मिला है। तो ये चेन देखिए, ये चेन है मेरी, बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही लाइट वेट है, गोल्ड टच दे रहा है इसमें, वैसे भी सिटी गोल्ड है तो गोल्ड टच देगा ही देगा और बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसका प्राइस है 324 रुपीज़ की एक चेन हम लोग को पड़ी है और सेम चेन दीदी ने भी ली है मगर उसका पेंडेंट अलग है तो मैं आपको वो दिखाती हूँ। सेम चेन है हमारी और दीदी की बट पेंडेंट दीदी ने इसमें अलग से लिया है, पेंडेंट भी बहुत ज़्यादा प्यारा है आप देख सकते हैं। आरू पीछे से नहीं आओ बेटू, नहीं लाइट नहीं ऑन कर दे, तो पेंडेंट आप देख सकते कितना प्यारा है, दीदी ने अटैच कराया था इसमें पेंडेंट, पेंडेंट ही 250 का पड़ा और 324 की हम लोग को चेन पड़ी है। हम लोग और भी ज़्यादा सामान लेने वाले थे बट बजट थोड़ा ऊपर हो गया हम लोग का। और ये 350 रुपये की दीदी ने मंगलसूत्र लिया है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी चेन भी है और इसका पेंडेंट भी बहुत ज़्यादा यूनिक है, स्टोन वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जो जो हम लोग ने सामान वहाँ पर देखा बहुत ही अच्छा सामान हम लोग को दिखा, जैसे और बहुत, और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, जमशेदपुर की सबसे बड़ी सिटी गोल्ड की वो शॉप है, आपको हर एक सामान मिलेगा। ये रिंग हम लोग को गिफ्ट में मिली है और मैंने मंगलसूत्र लिया था बट उसका ना चेन टूट गया हल्का सा तो आज मैं चेंज कराने जाऊँगी। मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरा पीछे टकलू दिख रहा है, ये मुझे बहुत परेशान करता है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे आपके एक एक सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट और प्यार के बिना कुछ नहीं हो सकता और मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट करिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।